गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पायल और आप देख रहे हैं पायल का सफर। तो थंबनेल से और टाइटल से आपको समझ ही आ गया होगा कि आज मैं हूँ तमिलनाडु की कैपिटल सिटी चेन्नई में, जिसको आप मद्रास के नाम से भी जानते हैं। तो मैं यहाँ पर आई हूँ आज ही सुबह 5 बजे। कल रात की मेरी ट्रेन थी बेंगलोर से, जिसने मुझे आज सुबह 5 बजे उतारा है। तो पहले तो मेरा प्लान था कि मैं मरीना बीच जाकर और फिर होटल आऊंगी सनराइज देख के। 5 बजे उतरी थी तो फिर सनराइज देखना तो बनता ही था, लेकिन जैसे ही मैं उतरी वैसे ही बारिश चालू हो गई चेन्नई में। तो फिर वो प्लान ड्रॉप करना पड़ा और फिर मैं डायरेक्ट होटल आई। तो जो मेरा होटल है वो है जिंजर होटल। अच्छा है, डिसेंट है, मतलब 3 स्टार होटल है। तो और व्यू देख सकते हैं आप मेरे पीछे। अभी मेरा प्लान है यहाँ का जो सबसे मेन मार्केट है टी नगर, उसको एक्सप्लोर करने का। तो अभी मेरी कैब आ चुकी है, तो अभी चलते हैं टी नगर एक्सप्लोर करते हैं और क्या क्या है यहाँ पे खाने का वो भी एक्सप्लोर करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी मैं पहुंच चुकी हूँ टी नगर। अभी यहाँ से एकदम स्ट्रेट जाके पूरा मार्केट है, तो वो एक्सप्लोर करेंगे। पहले यार सेल्फी स्टिक खरीदनी है। आज मेरी सेल्फी स्टिक बेंगलोर में रह गई, तो नई खरीदनी पड़ेगी। विदाउट सेल्फी स्टिक ना बड़ा मुश्किल हो जाता है यार व्लॉगिंग करना। तो सबसे पहले तो वो देखते हैं। तो यहाँ से मैं आई हूँ, यहाँ से कैब से। अभी मुझे यहाँ जाना है, ये पूरा मार्केट है। उन्होंने मुझे यही छोड़ दिया कैब वाले ने, क्योंकि उधर वन वे भी था, उधर बहुत रश था, इधर ही छोड़ दिया। ये देखिए पूरा आगे तक पूरा मार्केट है पूरा यहाँ पे है। फाइनली सेल्फी स्टिक मिल गई है मुझे। यार सेल्फी स्टिक के मैंने बड़ा मुश्किल हो गया आजकल व्लॉगिंग करना। पहले मैं करती थी, बट जब से सेल्फी स्टिक आई तब से नहीं हो पाता। यार यहाँ पे ना बार्गनिंग करना बहुत मुश्किल है। बार्गनिंग आप करो, मतलब करते हैं ये लोग बार्गनिंग, लेकिन हमारे लिए मुश्किल है क्योंकि हमें तमिल नहीं आती और इन लोगों को हिंदी नहीं आती और इंग्लिश भी थोड़ी थोड़ी आती है, तो बड़ा मुश्किल होता है। मेरे को 350 बोला था मैंने, कैसे करके बार्गनिंग 280 में इसको खरीदा है सेल्फी स्टिक को। तो ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा बोलोगे तो समझ जाएंगे। 60 rupees each. बहुत रश है यार इस एरिया में और गर्मी भी है। चेन्नई में हो तो गर्मी तो है, फिर भी कंपैरेटिवली कम गर्मी है आज। तो अगर आप शेड्स में चल रहे हो तो इतना नहीं लगेगा, बट अगर धूप में चल रहे हो तो लगती है यार। इट्स जैक फ्रूट। पलापलम। ओके, इट्स इन इंग्लिश जैक फ्रूट ना। पलापलम इन तमिल। भैया ये फ्रॉक कितने का? हाउ मच? 350। $90 each everything. This is 120. 100 है हमारे लिए। Okay.
ये अंकल बोल रहे हैं मेरे को भी यूट्यूब चैनल में लो, तो इनका भी बना रही हूँ मैं। अच्छा 100 रुपीज, ओके। 350, 300, ओके ओके। हिंदी इल्ला, हिंदी इल्ला, तमिल ओनली। व्हाट इज दिस? बादाम। बादाम? बादाम मिल्क। ओके। ब्लूबेरी फ्रूट मिक्स है। ओह, इट्स मिल्क। हां, मिल्क। ओह नाइस। कैन आई सी? फ्रूट मिक्स है। ओह, इट्स मिल्क और जूस? जूस, मिल्क जूस। मिल्क जूस। अच्छा। बादाम, ब्लूबेरी? ब्लूबेरी, बादाम। ओह नाइस। 20 रुपीज ना ईच? नाइस नाइस। 400 ईच? 1500. अच्छा साउंड है। अच्छा साउंड है। यू नो हिंदी? सल्पा सल्पा, कुंदम कुंदम। पता है मैंने पहला मार्केट देखा है जहाँ पे लोग डेस्परेटली चाहते हैं वीडियो में आने के लिए, मतलब वो लोग खुद बोलते हैं यार हमारा कैप्चर करो, हमारा कैप्चर करो। उनको हिंदी नहीं आती ऑल दो, फिर भी मतलब बोलते हैं, मुझे समझ आता है इतना, तो वो लोग मुझे बोलते हैं। अदरवाइज अगर मैं और मार्केट्स में गई हूँ आज तक, मतलब जितना भी मैंने व्लॉगिंग किया है, उसमें लोग ना बड़े शाय फील करते हैं कि यार नहीं, मतलब हमें वीडियो में नहीं आना, हमें मतलब वो लोग छुप जाते हैं, लेकिन ये लोग बड़े हैपनिंग से हैं, तो बोलते हैं अरे यार हमें भी लो, हमें भी लो। तो अच्छा लगता है अगर लोग आगे से बोलते हैं आपको लेने के लिए, तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तो मैं ना एकदम सीधा सीधा आ रही हूँ, मतलब ऐसा आप सीधा सीधा जाते जाओगे तो एक पूरी लेन है मेन रोड के जस्ट बगल में। ये मेन रोड है और मेन रोड के जस्ट बगल में ये पूरी लेन है, लेकिन ऐसे मेन चलते चलते यहाँ पे ऐसे बीच में गलियाँ भी हैं, उसके अंदर भी सेम मार्केट है। अंदर चलते ऐसा लग रहा है मेरे को, मैं जितना अंदर घुसती जा रही हूँ ना, भीड़ उतनी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मतलब आप देखो, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ है आगे। लेट्स सी। आलू बोंडा, सो आलू समोसा, स्वीट बोंडा, स्वीट बोंडा। देखो एक चीज दिखाती हूँ, सरना स्टोर, सरना ज्वेलर्स, दिस इज अगेन सरना स्टोर, सरना स्टोर। यहाँ ना अधिकतर नाम आपको सरना से ही मिलेंगे, हमें किसी जगह खाने जा रहे हैं वो भी सरना भवन है, तो इन लोगों ने ज़्यादा मेहनत नहीं करी है नाम वाम पे, सरना ही सरना रखी है। मुझे नहीं लगता ये मार्केट खत्म होएगा, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। मैं भी कब से चलती जा रही हूँ, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा बड़ा है ये, आप देख सकते हैं। पूरा टाइम लेके आना, मुझे लगता है पूरा दिन का टाइम लेकर आना अगर आपको आना है। बहुत बड़ा मार्केट है यार और बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी तो, मतलब अंदर जो मेन रोड पे मैं चल रही थी तो वहाँ पे शेड्स आ रहे थे तो इतनी गर्मी नहीं लग रही थी, बट जब आप गलियों में आ जाते हो ना तो बहुत ही ज़्यादा धूप आती है और बहुत ही गर्मी हो जाती है, तो बहुत चिपचिप वाली गर्मी होती है, ह्यूमिड है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेसिकली। तो ठीक है, जल्दी से एक्सप्लोर करते बचा हुआ निकलते हैं यहाँ से, इससे ज़्यादा गर्मी में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी मैं वापस मेन रोड पे आ गई हूँ, मतलब मेन रोड वाले मार्केट में लाइन में आ गई हूँ। ऐसे आप हर गली में घुसेंगे ना तो इतना ही मार्केट दिखेगा आपको, मतलब मैं पूरा नहीं एक्सप्लोर कर पाऊंगी भाई इसको, एक पूरा एक्सप्लोर करने के लिए मुझे चेन्नई 4-5 बार तो आना ही पड़ेगा। तो अभी स्ट्रीट शॉपिंग तो मैंने आपको दिखा दिया क्या क्या ऑप्शन है, अभी जो यहाँ पे मॉल्स हैं, जो शोरूम्स हैं, स्टोर्स हैं, वो भी दिखा दूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ खा लेती हूँ यार, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है मेरे को, मैं गिर जाऊँ उससे पहले कुछ खा लेती हूँ, गर्मी भी इतनी हो रही है। तो अभी मैं ढूंढ रही हूँ सरना भवन, सरना भवन बहुत ही मतलब फेमस है यहाँ पे खाने के लिए,
तो वो ढूंढ रही हूँ मैं अभी। सरना भवन में कुछ खाएंगे, लंच करेंगे, उसके बाद आपको बाकी बचा हुआ श्रीनगर घुमाऊंगी। ये है मेन रोड, आपको ये वॉच केयर दिखेगा, उसके सामने ही आपको सरना भवन मिलेगा। फाइनली हमें सरना भवन मिल चुका है, तो अभी जाके कुछ खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है। यार यहाँ पे ना लोगों की बात समझना और उनको बात समझाना इतना ज़्यादा मुश्किल है ना, मतलब मैं उस वेटर को समझा समझा के थक गई, मुझे क्या चाहिए बट उसको समझ नहीं आया। फिर फाइनली एक अंकल ने मेरे को हेल्प किया। सो इट्स कांचीवरम एंड सिल्क साड़ी बोथ, हाउ मच, ये कितना का? 1940। वैसे तो टी नगर में आपको बहुत से शॉपिंग ऑप्शंस मिल जाएंगे, स्ट्रीट शॉपिंग तो मैं आपको ऑलरेडी दिखाई चुकी हूँ। उसके अलावा आप अगर ब्रांडेड शॉपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ बहुत से ऑप्शंस हैं, लेकिन चेन्नई फेमस है अपनी सिल्क साड़ीज के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे आपको कितनी वैरायटी की सिल्क साड़ीज मिल जाएंगी। Which one is this? ये बनारसी सिल्क। बनारसी सिल्क ऑर्गेन्जा सिल्क, इसका कितना, हाउ मच? 5000। इट्स प्योर? यस। हाँ, इट्स टसर सिल्क। 8500। दिस इज मैसूर सिल्क, प्योर मैसूर सिल्क। टिश्यू सिल्क कितना? 3,290। प्योर टिश्यू सिल्क। चंदेरी सिल्क जूट सिल्क कितना कॉस्ट? 5,000। कांजीपुरम स्टार्टिंग प्राइस, अच्छा कांजीपुरम स्टार्टिंग प्राइस इज 5,000 एंड अप टू लास्ट 1 लाख। ओह नाइस। उसके बाद मैंने टी नगर को अलविदा कहा और मैं पहुंची चेन्नई का फेमस चर्च सेंट थॉमस चर्च देखने। अगर आप गौर से देखोगे ना वहाँ पे तो आपको फ्लाइट्स दिखेंगी, वो रनवे है जो दिख रहा है चेन्नई एयरपोर्ट का, तो वहाँ से अभी आपको मैंने फ्लाइट भी दिखाया था। जूम तो कर रही हूँ मैं लेकिन मुझे लगता नहीं है दिख रहा है।
तो अभी सेंट थॉम्स चर्च हो गया है। यहाँ से ना व्यू बहुत ही अच्छा है, मतलब एक साइड आपको पूरा ना मतलब पूरा आधा चेन्नई दिखेगा तो दूसरी साइड आपको पूरा एयरपोर्ट का रनवे दिखेगा, तो अच्छा है, मतलब व्यू अच्छा है, चर्च अच्छा है। तो अभी हम जा रहे हैं बसंत बीच। बसंत बीच काफ़ी अच्छा है, मतलब एक तो मरीना बीच है, एक बसंत बीच है, दोनों बहुत मस्ट विजिटिंग प्लेस है चेन्नई में, तो आज हम बसंत बीच करेंगे। तो अभी हम आ गए हैं बसंत बीच और अभी थोड़ी देर यहीं पे चिल मारने वाले हैं और उसके बाद में डिनर करने जाएंगे। मौसम बहुत ही सही हो चुका है, अभी बहुत गर्मी थी उस टाइम, लेकिन अभी काफ़ी सही है और ऐसा लग रहा है कि बारिश आने वाली है। पूरी चौपाटी है उधर भी, पूरा यहाँ तक ही पूरा चौपाटी है। ये देखिए ट्रक में इन्होंने 12D चला रखा है, मतलब बहुत अलग सा लगा मेरे को तो, सोचा देख के आते एक बार, और 70 rupees पर पर्सन टिकट है, लेट्स सी कैसा होगा। ये 12D एक्सपीरियंस तो खतरनाक ही था, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी कि इतनी सी गाड़ी में इन लोगों ने इतना सब कुछ, मतलब वाटर वाला इफेक्ट भी दे रहे हैं, उसके बाद स्नो वाला इफेक्ट भी दे रहे हैं, तो काफ़ी मतलब ऑब्वियसली 12D जैसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ 70 rupees में अगर बच्चों को खुश करना है तो आप ले जा सकते हो, बहुत अच्छा था। और इनकी क्रिएटिविटी के लिए मैं 1-2 marks उनको एक्स्ट्रा दूंगी कि इन्होंने एक कार में इतना सब कुछ, मतलब एक ट्रक में इतना सब कुछ कर दिया, दैट्स नाइस। तो अभी हम लोगों का हो चुका है यहाँ पे घूम के, अब हम जा रहे हैं मुर्गन इडली खाने। मुर्गन एक ब्रांड है जिसका इडली बहुत ही फेमस और बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो अभी वही खाने जा रहे हैं डिनर में। अब मद्रास में है, चेन्नई में है, तो डिनर लंच ब्रेकफास्ट सब में इडली खानी पड़ेगी। तो आज तो पूरा साउथ इंडियन डे है, कल थोड़ा सा नॉर्थ इंडियन ट्राई करेंगे और थोड़ा सा चाइनीज़ ट्राई करेंगे। तो अभी हम ये पहुँच गए हैं मुर्गन इडली, तो चलते हैं अंदर। पनीर डोसा, पनीर डोसा, पनीर डोसा, मैं तो वो पुड़ी, पुड़ी इडली, पुड़िया ने उत्तपम इडली और आने उत्तपम जो मैंने पहले बोली, सबसे बेस्ट फेवरेट फेमस है पुड़िया ने उत्तपम, आने उत्तपम, पुड़िया ने आने उत्तपम, हाँ ठीक है वो कर दीजिए, वो एक कर देना और एक। कौन सा चटनी है ये? मल्ली, मूली, मल्ली, मल्ली। And this one? Pudina. देख रहे हैं वहाँ पे वो बीच है जहाँ से हम आए हैं, उसके बाद में ये यहाँ पे ये पूरा मार्केट है, ये एक चर्च है, उसके जस्ट सामने आपको मुर्गन इडली मिलेगी। ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक जब हम जाएंगे चेन्नई टू महाबलीपुरम और बीच में बहुत सी चीजें एक्सप्लोर करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे जो बेल आइकन दिख रहा है उसको भी क्लिक कर ले, जिससे जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।